हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को जो कि मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उन सारे फ्रेंड्स को भी जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ व्यू कर रहे हैं, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कीप सपोर्टिंग मी। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू। ठीक है, हमारे इधर अभी भी कीर्तन चालू है, आप सुनाई दे रहा होगा। मेरा माइंड बार बार उसी तरफ जा रहा है, दिन भर बसते ही रहता है। ठीक है, तो उसी आवाज़ पे जा रहा है था। अभी मैं ये थोड़ा लेट नाइट बना रही हूँ वीडियो, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं मैं क्या क्रंच करने वाली हूँ। ये देखिए, एक कलर्स है, ये कोलकाता क्ले पॉट है, बिग साइज का है, लेकिन ये साइड का ब्रोकन हो गया है, पार्सल आते समय ब्रोकन हो गया था। ये बिग साइज का है, और आपका एक टेबल पॉट है। इन सबको मैंने अभी वॉश करके लाया है। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इनको वॉश करके लेकर आई हूँ, तो मैं आज इन तीनों को क्रंच करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स क्रंच शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स मेरा क्रंच कंप्लीट हुआ। आज शुरू से मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया मैंने। पहले फैन एसी ऑन रख दिया था, उसका साउंड आप लोगों को सुनाई देगा। उसके वजह से पहले बड़ा वाला जो मैंने कोलकाता क्ले पॉट क्रंच किया उसका साउंड शायद आप लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं दिया होगा। लेकिन वो वाला कोलकाता क्ले पॉट जो मैंने क्रंच किया शुरू वाला, वो हर्दी था, टेस्टी था। लेकिन उसके बाद मैंने जो कलर्स क्रंच किया बिल्कुल भी, मतलब अर्दी तो था पूरा एकदम कड़वा था, मतलब करेले से भी ज्यादा, नीम के पत्ते से भी ज्यादा कड़वा लग रहा था। पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया, उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो मैंने पेबल पॉट क्रंच किया, तो पेबल पॉट अर्दी था, क्रंची भी था। क्रंच करते करते मुझे कंकर लगा पेबल पॉट के ऊपरी हिस्से में था, जो दांत में लगा, दांत जैसे मतलब मेरा ये हो रहा है, तो उसका वो प्रॉब्लम था। और बाकी का जो बेस पार्ट था मैंने वो ऑफलाइन ही क्रंच कर लिया, मैंने वीडियो ऑन करना भूल ही गई थी। तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन ठीक से हुआ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने और एक कोलकाता क्ले पॉट ले लिया छोटा सा, जो कि ये लास्ट वाला कोलकाता क्ले पॉट बहुत ही अर्दी, बहुत ही टेस्टी और पूरा क्रीमी बटरी टेक्सचर में था। मुझे ये वाला कोलकाता क्ले पॉट सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये गड़बड़ वाला क्रंच देखिए, सॉरी इसके लिए, मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो गया आज। देखिए क्रंच साउंड इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और एक तो क्या नहीं, कीर्तन पूरा दिन चालू है तो पूरा मतलब सर मतलब भारी सा होता है। सुबह 5 बजे से चालू होता है, अभी रात को मतलब कितना हुआ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, रुके टाइम 10:30 बज गए हैं। देखिए अभी ये बहुत लेट है, 12:30-1 बजे तक ऐसे ही साउंड रहेगा, उसके बाद 2-3 घंटे के लिए बंद होता है, मतलब अच्छे से सोने को भी नहीं हो रहा है। लेट नाइट सो रही हूँ, वैसे ही सुबह जल्दी उठना पड़ता है बच्चों के स्कूल के लिए, और सुबह 5 बजे से तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। अभी तो फिर भी साउंड थोड़ा आस्ते है, कभी कभी तो बहुत जोर से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग क्रंच देखिए, इंजॉय कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।